हेलो बच्चों, देखिए क्वेश्चन, नया क्वेश्चन है जे एडवांस 2024 का। आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और क्वेश्चन को जरा समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन एक प्रकार से लग ऐसा रहा है लिमिट का है, लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों को मिक्स करके बनाया गया। देखो कैसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखो यहां पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है लेट, जरा समझिएगा, क्वेश्चन में कहा जा रहा है लेट एफ एक्स बी ए कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशियबल फंक्शन ऑन द इंटरवल, यानी 0 से इंफिनिटी के बीच में, यानी पॉजिटिव वैल्यू के लिए फंक्शन हमारा क्या है, डिफरेंशियबल फंक्शन है। सच दैट, और इस तरीके से दिया गया है एफ वन की वैल्यू 2 है बेटा, और ये लिमिट आपको गिवन है, और ये आप कह रहा फॉर ईच एक्स पॉजिटिव है और फॉर एल ऑल एक्स पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव एक्स के लिए हमें एफ एक्स बताना है किसके इक्वल होगा। आइए देखिए कैसे होगा, जरा जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको जरा समझना होगा बेटा, बहुत ही अच्छे से समझेंगे, पूरा ध्यान लगाएंगे बेटा इस क्वेश्चन को समझने में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इसे जरा समझिए क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है, जरा देखिए यहां पर क्वेश्चन जो है उसे जरा सॉल्व किया जाए। देखिए बेटा ये आपको गिवन है लिमिट, लिमिट टी टेंडिंग टू एक्स, और यहां पर टी की पावर 10 एफ एक्स माइनस एक्स की पावर 10 एफ टी डी टी, सॉरी एफ टी है केवल, और डिवाइड में टी की पावर 9 माइनस एक्स की पावर 9 इज इक्वल टू 1, यानी इस लिमिट की जो वैल्यू है 1 के इक्वल है, हमें एफ एक्स पूछ रहा है। अब फॉर पॉजिटिव यानी सारी पॉजिटिव वैल्यू के लिए एफ एक्स क्या है, किसके इक्वल है, तो आगे देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। लग ऐसा रहा लिमिट का क्वेश्चन है, लेकिन मेरे बच्चों जरा ध्यान दीजिए, लिमिट इसकी पूछी नहीं है, गिवन है। आगे देखिएगा क्या होगा, जरा मजा आएगा। यहां पर अगर हम टी एक्स रखेंगे, टी की जगह अगर एक्स रखेंगे, ये बताइए टी टेंडिंग टू एक्स, यानी टी हमारा एक्स की ओर टेंड कर रहा है, यानी एक प्रकार से टी हमारा वेरिएबल हो, यानी वो टेंड कर रहा है, यानी बिल्कुल नियरर पहुंच रहा है, तो वेरिएबल होगा टी, एक्स को कॉन्स्टेंट की तरह फील करेंगे। तो यहां पर अगर एक्स की जगह टी की जगह एक्स रखोगे तो एक्स की पावर 10 एफ एक्स माइनस एक्स की पावर 10 एफ एक्स, तो ये दोनों आपस में कैंसिल 0, और यहां पर एक्स की पावर टी की जगह एक्स की पावर 9 रखोगे कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो यहां से ये बात क्लियर हो गई, 0/0 फॉर्म हो रहा है। तो यहां पर हम लगा देंगे आपका एल हॉस्पिटल रूल, जिसे हम लॉपिटल रूल भी कह सकते हैं, ठीक है, इसका जो क्लियर नेम है वो लॉपिटल रूल है। तो आइए क्या करेंगे, यहां पर डिफरेंशिएशन करोगे तो डिफरेंशिएशन करेंगे लिमिट टी टेंडिंग टू एक्स, यहां पर क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट जब करोगे तो क्या होगा बोलो, ये टी वेरिएबल ये कांस्टेंट की तरह है, इसको कांस्टेंट की तरह फील करोगे, इसको कांस्टेंट की तरह फील करोगे, तो कांस्टेंट अगर इनटू में है, जैसे 2 अगर इनटू में, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो 10 टी की पावर 9 और ये एफ एक्स इनटू में रहेगा, माइनस ये कांस्टेंट की तरह है एक्स की पावर 10 और एफ टी का डिफरेंशिएशन एफ डैश टी, और डिवाइड में कितना होगा, इसका कांस्टेंट की तरह फील करोगे 0 और ये 9 टी की पावर 8 इज इक्वल टू 1। अब आप टी की जगह एक्स पुट कर दीजिए तो ये होगा 10 एक्स की पावर 9 एफ एक्स और माइनस एक्स की पावर 10 एफ डैश एक्स, और ये आप टी रखोगे एक्स रखोगे तो 9 एक्स की पावर 8 उधर चला गया, 9 एक्स की पावर 8। अब मजेदार हो गया क्वेश्चन, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। कैसे, आप जानते हो कैलकुलस में वाई हमारा एफ एक्स है और एफ एक्स पूछ रहा है, आपको मालूम है कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई एक्स है और वहां से आपको एफ एक्स पूछा जा रहा है, इसका मतलब उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा। देखिए 10 एक्स की पावर 9 और ये हो जाएगा वाई माइनस एक्स की पावर 9 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, वहां से आपको वाई पूछा जा रहा है, यानी इक्वेशन पूछी जा रही है, यानी एफ एक्स पूछा जा रहा है, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक प्रकार से अगर फील करोगे तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहां से हम एफ एक्स कैलकुलेट करेंगे, बहुत आसान है। चलिए अब देखिए क्या होगा, इसके बाद पहले एक्स की पावर 8 है, ये देखो इधर से एक्स की पावर 8 कट जाएगा, कॉमन ले लोगे तो इधर बचेगा एक एक्स बचेगा, इधर एक्स की पावर 2 बचेगा, और ये एक्स की पावर 8 जो है इस एक्स की पावर 8 को कैंसिल कर देगा, तो यहां पर होगा 10 एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स और इज इक्वल टू 9। और आप जानते हो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम इसे पॉजिटिव करने के लिए इस वाले टर्म को राइट साइड में ले जाएंगे, इसको भी राइट साइड में ले जाएंगे, उसको लेफ्ट में ले जाएंगे, तो ये राइट वाले को पहले लिख दो एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यहां से कितना होगा एक्स स्क्वायर डी वाई एक्स, ये उधर गया और ये होगा माइनस का 10 एक्स वाई और इज इक्वल टू 9 इधर आएगा तो माइनस 9। तो यहां से अगर आप देखोगे यहां से बेटा एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि डी वाई बाई एक्स आपको मालूम होना चाहिए, जरा देखेंगे यहां पे पहले से याद कर लेते हैं, तो नेक्स्ट पेज में बता रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर डी वाई बाई एक्स माइनस 10 एक्स वाई और माइनस 9, यहां तक पहुंचे आप,
ठीक है, एक्स स्क्वायर डी बाई डीएक्स माइनस टेन एक्स वाई और इक्वल टू नाइन। तो जरा इसे नेक्स्ट पेज में लिखेंगे, यहां पर होगा एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस का टेन एक्स वाई इक्वल टू माइनस का नाइन, इतना हो गया बेटा। तो ये आपको मालूम है, अगर आपने पढ़ा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये हमारी एल डी ई है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आपको सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर p dx, यानी जो y का कोएफिशिएंट है उसका इंटीग्रेशन करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन बट यहां पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यूनिटी बनाना होगा, तो यहां पर x स्क्वायर से सबको डिवाइड कर दीजिए। तो dy / dx x स्क्वायर से कैंसिल और ये माइनस, यहां पे x स्क्वायर से डिवाइड करोगे 10 / x / y इज इक्वल टू ये -9 / x स्क्वायर। तो ये हमारा p होगा और ये हमारा बच्चों क्यू होगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब होगा इसका इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको अगर इंटीग्रेट करोगे -10 / x को, आपको अच्छे से मालूम है -10 बाहर आएगा, 1 / x का इंटीग्रेशन, यानी -10 और ये होगा log x। ये बेटा आपको ये ध्यान रखना मॉड x होगा, बट यहां पर x पॉजिटिव है, आप देख सकते हैं यहां पर, इसीलिए x पॉजिटिव दिया हुआ है। आप देखेंगे x पॉजिटिव है, यहां पर x पॉजिटिव है, देखिए यहां पर बेटा कमाल का कॉन्सेप्ट है, लॉग का इंटीग्रेशन 1 / x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड x होता है, और आपको यह दिया है x पॉजिटिव। और जब हमारा x पॉजिटिव होता है तो यह क्लियर होना चाहिए कि मॉड x की वैल्यू x ही होगी। इतनी बात क्लियर करे भाई, इतनी बात को क्लियर करना होगा, गजब कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर ये x हो गया बेटा, यहां पर ये हमारा x हो गया, तो x हो गया, ये ऊपर आएगा, पावर ऊपर जाएगी, क्योंकि आपको मालूम है m log a, तो ये फंडा होता है log a टू दी पावर m, पावर को ऊपर भेज दिया, तो ये आपका x की पावर -10 e log x की पावर -10। तो यहां पर आपको मालूम है ये अगर सेम होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, log x टू द बेस a, तो ये आपका x हो जाएगा। तो यहां से ये x की पावर -10 इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये हमारा q हो गया बेटा, ये हमारा q हो गया, जरा ध्यान दीजिएगा, ये हमारा q हो गया। तो यहां पर इसके बाद क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यों ये है, तो अब क्या होगा बोलो, इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल, आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है बेटा। तो यहां पे लिखेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर x की पावर -10, q, q कितना है, q देखो ये है -9 / x स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर -10, और इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो यहां से क्या होगा, वाई इंटू एक्स की पावर -10, चाहो तो इसे ऐसे लिख दो, चाहो तो मेरे बच्चों इसे ऐसे लिख दीजिए, y अपॉन x की पावर 10 नीचे आ जाएगा, और ये x स्क्वायर, ये x -9 बाहर आएगा, और ये x की पावर 2 ऊपर जाएगा, तो ये टोटल मिला के क्या बन जाएगा, x की पावर -12। तो यहां पर इन दोनों को हटा के x की पावर -12, क्योंकि 2 ऊपर जाएगा -2 और -10 -12, तो यहां पर हो जाएगा x की पावर 1 बढ़ाना है तो -11 और डिवाइड में -11, ये माइनस से माइनस कैंसिल, और प्लस कॉन्स्टेंट आपको एड करना होगा राइट साइड में, तो ये होगा वाई डिवाइड में एक्स की पावर 10 इज इक्वल टू, ये होगा 9 / 11 x की पावर 11 प्लस का c। अब आप एक काम करेंगे, यहां से आपको इतना क्लियर होना चाहिए, चाहो तो इसे और सिंप्लीफाई कर दो, x की पावर 10 का मल्टीप्लाई कर दो, तो y इज इक्वल टू x की पावर 10 का मल्टीप्लाई करोगे 9 / 11 x प्लस c x की पावर 10। और ये किस लिए गिवन है, ये आप देखिए, आपको शुरुआत में गिवन था, शुरुआत में गिवन है, आप जबरदस्त तरीके से यहां पर देखना है, आपको गिवन है f1 हमारा 2 के इक्वल दिया है, इसका मतलब 1 पर वैल्यू 2 इसलिए दिया ताकि आप c को निकाल पाओ, और जब c कैलकुलेट होगा तब हमारा fx क्लियर हो पाएगा। तो यहां पर क्या करेंगे बेटा, जरा देखो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमें f1 आपको 2 के इक्वल दिया है बेटा, f1 2 के इक्वल दिया है, यानी इसका मतलब है वाई आपका 2 है जब एक्स हमारा 1 है, जब हमारा एक्स है 1 है तो वाई हमारा 2 है, fx का मतलब वाई होता है, तो ये वाई की जगह 2 रख दिया, और 9 / यहां पर x की जगह 1 रखोगे देखो तो 11, और प्लस यहां पे 1 रखोगे तो c बचेगा, तो ये 2 / 9 / 11 इधर आएगा इक्वल टू c, तो यहां से c क्लियर हो गया 11, 11 दूनी 22 में 9 गया 13, तो 13/11, तो फाइनल आंसर जो होगा मेरे बच्चों, फाइनल जो आंसर होगा इसी में पुट कर दीजिए, इसी में आप पुट कर सकते हो, सॉरी इसी में आप पुट कर दीजिए, y इज इक्वल टू 9/11 x, और ये कितना होगा प्लस 13/11 x की पावर 10, बहुत ही कमाल का आंसर होगा, यानी y का मतलब यही हमारा fx है, यही हमारा बच्चों fx है, जरा देखेगा जबरदस्त तरीके से यहां पर आपको इसको समझाया गया, आप जरा ध्यान दीजिए इसका आंसर क्या है, 9/11, 9/11 कौन सा ऑप्शन है, माइनस नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो गया बेटा मेरे बच्चों, ये ऑप्शन गलत है, आप जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है।
ये ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, 9/11 केवल इसी ऑप्शन में है। आप देख लीजिए 9/11 और 13/11 एक्स की पावर 10, आप देखो 9/11 x, देखो बेटा 9/11 x और 13/11 एक्स की पावर 10, और ये केवल किस ऑप्शन में है, ये केवल हमारा किस ऑप्शन में है? देख सकते हैं बी ऑप्शन में करेक्ट होगा बेटा, ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। तो कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, आपने इस क्वेश्चन को देखा लिमिट का क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन यहां पर एफएक्स जहां पूछ रहा है, अगर आपसे वाई पूछ रहा है, भाई लिमिट की वैल्यू तो नहीं पूछी, लिमिट दिया हुआ, लेकिन आपको एफएक्स पूछ रहा है, तो आपको मालूम है डिफरेंशिएट करोगे तो एफ डैश का टर्म आएगा, एफ डैश मतलब डीवाई बाय डीएक्स, जहां ये इक्वेशन बनेगी मतलब ये क्या है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, और डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या होगा बेटा, आप उसे सॉल्व करके एफएक्स निकाल सकते हो। चलिए आज के वीडियो में इतना ही रखे गए और नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं, थैंक यू।